तो आज हम बात कर रहे हैं एक फॉर्मेट के ऊपर, और ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं पेज लेआउट में, और यहाँ से ग्रिड लाइन हटा के पूरा प्लाइन कर देते हैं। जब भी कोई फॉर्मेट बनाए तो एक रो एक कॉलम छोड़ के बनाए, ठीक है, ताकि प्रिंट आउट में एडजस्टमेंट कर सके। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हेडिंग है एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट, ठीक है। तो इसने रो की साइज बढ़ा दिया है, मर्ज नहीं किया है, तो मैं भी मर्ज नहीं करूंगा, यहाँ पे डाल पेस्ट करता हूँ, और इसकी भी कॉलम की साइज बढ़ा, रो की साइज बढ़ा देता हूँ, और यहाँ होम के अंदर ये जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसकी इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, और साथ में इसकी कलर जो है वो ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय, सेलेक्ट एन एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय एम्प्लॉय, और यहाँ पे ईयर थोड़ा सा छोड़ देता हूँ नीचे, ईयर। और ये चीज के लिए मैं यहां से इसको यहां रखता हूं, क्योंकि आगे नहीं बढ़ना चाहिए ना। अब एम्प्लॉय के लिए ये देखिए कि एरिया को मर्ज कर रखा, दिख रहा है ना आपको, तो हम भी एरिया सेलेक्ट करके इसको क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। अब इसमें इसने ड्रॉप डाउन लगाया हो, दिख रहा है आपको, इस तरह की ड्रॉप डाउन आप डेटा वैलिडेशन के अंदर लगा सकते हैं। हालांकि आगे ये टॉपिक है तो भी बता देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि नेम दे देता हूँ कि पूजा कॉमा मोहन कॉमा इंदर कॉमा ओम कॉमा देव, ठीक है, नाम एंड ओके कर दिया। अब इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज यहाँ पे करना है हमें, तो इसकी बैकग्राउंड जो है, हाँ, ड्रॉप डाउन जो जो आप जो आपकी जरूरत हुई डालेंगे, कुछ भी थोड़ी डाल सकते क्या, हाँ, जो लिस्ट चाहते हो डालेंगे ना, अब इसमें भी सेम कहां से डालेंगे, डेटा रिलेशन में यहां से लिस्ट। तो मान लीजिए 2024 और 25 का बना रहा हूं, तो 2024 एंड कॉमा 2025, ठीक है, ये लिस्ट हमारा तैयार, राइट। यहाँ पे क्या है कि बीच में रो का गैप नहीं, बट मैंने रो गैप कर दिया है, तो इसको छोटा कर देता हूँ ताकि हल्का गैप भी रहे और दिखे भी नहीं, ठीक है, बेटर है। अब इसकी देखिए चौड़ाई थोड़ा ज्यादा है, तो मैं भी अपनी रो की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके अब हम क्या कर देते हैं, इसको सेंट्रल कर देता हूँ मिडल में, तो ये आपका मिडल हो गया। अब यहाँ पे आता है आपका मंथ नेम, वीक नेम या मंथ नेम, जो भी है वीक डे या मंथ नेम यहाँ पे लेना है। तो हमने हमेशा बोला था एक लाइन छोड़ना है इसको, हाँ, तो यहाँ पे हम देंगे हेडिंग, और इसमें हमारा जैन फेब मार्च जो है वो नीचे तक आ जाए, दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संडे मंडे है, तो अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला नहीं है, हमें फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, तो हम यहाँ पे मैनुअल कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। ठीक और यहाँ पे संडे से स्टार्ट करते हैं, और संडे मंडे ट्यूजडे करते हुए हम काफी दूर तक जाते हैं, ठीक है। अब इसको पूरे को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देता हूँ मैं, सॉरी, इसको यहां से संडे से ना यहां से उठा ले, ठीक है। डबल क्लिक करने से, डबल क्लिक कहाँ करेंगे, किसी भी कॉलम के बॉर्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑटो फिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑटो फिट, ठीक है। ऑटो फिट मतलब जितना बड़ा कॉलम की साइज चाहिए ना उतना बड़ा हो जाएगा जी।
और इसकी भी जो बैकग्राउंड कलर है वो कलर को क्या कर देंगे यहां से, और कलर व्हाइट कर देंगे। उसके बाद इसकी बॉर्डर देखिए, इसमें क्या है कि यहां पे देखिए कलर है ना, एक कलर है एक कलर नहीं है, एक कलर है एक कलर नहीं है। तो देखिए टेबल में लिया हुआ, किसमें लिया हुआ है, टेबल में, तो आप इसको टेबल में ले सकते हैं। अदरवाइज मैनुअल में आपको एक एक करना पड़ेगा, तो एक एक भी कर सकते हैं कलर को, या फिर मैं यहाँ पे टेबल ले लीजिए। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट एज ए टेबल दिखेगा आपको, इस पे आइए। ठीक है, अब इस पे मैं एक काम करता हूं, ए वाला फॉर्मेट ले लेता हूं। ठीक है, अब इसकी जो बीच में लाइनिंग है ना, बीच वाली लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके इसमें बीच वाली लाइनिंग जो है ए बॉर्डर नहीं है, बट यहाँ पे बीच में बॉर्डर आ गया ना। तो फॉर्मेट सेल में जाइए, बॉर्डर में आइए। अच्छा, ये टेबल का डिजाइन है, तो यहां से आप कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे टेबल डिजाइन चेंज करनी पड़ेगी। दिख रहा है यहां से अलग अलग डिजाइन दिख रहे हैं आपको, तो टेबल डिजाइन मुझे चेंज करनी होगी, जिसमें सिंगल लाइन ए ऊपर है, ए वाला लाइन नहीं, ए नहीं है ये तो, एक मिनट, आई थिंक ए वाला होगा, क्योंकि नहीं ऊपर सेकंड वाला नहीं है ना, ये तो सिंपल लाइनिंग है ना, वर्टिकल लाइनिंग है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है। इसमें आते हैं तो ये सिर्फ वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे फिल्टर का साइन हटा दीजिए, दिख रहा है। इसके अलावा और भी फॉर्मेटिंग है जो कि आप ले सकते हैं, नीचे भी है। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग है जो कि इसको आप यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ए सही है। ए सही है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ ऊपर में एक बॉर्डर चाहिए और एक नीचे में बॉर्डर चाहिए, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये वाला मोटा बॉर्डर। हाँ, तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल पे आते हैं और यहाँ से मोटा वाला बॉर्डर लेते हैं, इसकी कलर ब्लू कर देता हूँ, और ऊपर में और नीचे में दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे की और स्टैटिक्स में आते हैं, और सेम हम यहाँ पे की और स्टैटिक्स को लेते हैं, और इसको भी साइड, इसको भी क्या करते हैं, कलर जो है आपका ये वाला कलर ले लेते हैं, बोल्ड करते हैं, और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, अब इसके ऊपर फॉन्ट जो है ना, ब्लूंड ओल्ड स्टाइल है, दिख रहा है आपको फॉन्ट, तो ये ऊपर में और नीचे में दोनों में ही फॉन्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी तरह से दिखेगा। ठीक है, राइट। अब यहां देखिए, यहां पे क्या है, डेज और लीव का ऑप्शन है, ये सब फॉर्मूले से बना हुआ है, लेकिन कहले में तो पहले फॉर्मेटिंग तैयार होगा, उसके बाद ना फॉर्मूले से आप बनाइएगा क्या। हाँ, फॉर्मूला तो बाद में सीखेंगे, तो फॉर्मूला मान लगे आपने फॉर्मूला सीख लिया, इस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है, क्या समझ रहे हैं ना बात को। ये जो नहीं, फॉर्मूले से आपको फॉर्मेटिंग थोड़ी बनेगी, फॉर्मूले से अंदर डेटा आएगा, जैसे ये देखिए 1 2 3 जो आया हुआ है, ये फॉर्मूले से आया हुआ, तो फॉर्मूले से डेटा दिया, लेकिन डेटा के जो ये जो फॉर्मेटिंग, जिसमें टेबल्स बने हैं, हेडिंग्स है, इस तरह का मर्ज है, ये सब चीजें तो मैनुअल करनी पड़ेगी ना। अब फॉर्मूले से आपको 4 दे देगा, ये यहाँ पे परसेंटेज दे देगा, लेकिन ये जो लाइनिंग, जो जैसे बनावट जो देख रहे हैं, वो बनावट थोड़ी देगा आप, क्या नाम देगा। अब जैसे यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे लाइनिंग चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया नीचे से ऊपर तक, राइट क्लिक किया और यहाँ फॉर्मेट सेल में गए, और यहाँ से कलर कलर लेते हैं, और हमने ए वाला लाइनिंग लिया और इधर वाला क्लिक कर, हो गया। फिर एक लाइन, एक रो छोड़ के फिर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इसकी बैकग्राउंड कलर करते हैं, मर्ज करते हैं,
ठीक है, और इसके ऊपर फॉर्मूले से कुछ और लिखा आएगा, जैसे यहाँ पे 262 लिखा आया हुआ है, ऐसे कुछ लिखा आएगा, इसके ऊपर फॉर्मूले लगेगा। तो कहने में फॉर्मूला तो हमारा सेकेंड स्टेप है ना, पहला तो फॉर्मेटिंग है ना, फॉर्मूला तो सेकेंड स्टेप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इस रिपोर्ट को देखेगा तो क्या लग रहा है, पहले ये देखे आपके फॉर्मूला देखे, ओके तो वही चीज है ना, जो दिखता है वही तो बिकता है। तो हम लोगों की अकाउंट की एक क्लास हुआ करती थी, समझे, अकाउंट की क्लासेस में तो हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, तो हमारे टीचर बहुत डांटते थे क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट टेढ़ा मेढ़ा बना देते थे, लेजर वगैरह टेढ़ा मेढ़ा बना देते थे। तो हम बोलते थे सर क्या मतलब है लेजर टेढ़ा है, अच्छा है, इसमें चीजें तो इन्फॉर्मेशन तो आ रही है ना, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो, जो आंसर चाहिए वो आंसर तो मिल रहा है, अच्छा टेढ़ा है या फिर थोड़ा सा नहीं फिनिशिंग नहीं है, इसे क्या लेना देना। तो हम खुद बोलते थे आगे चल के तू शादी करेगा तो याद रखेगा कि पहले लड़की का क्या बोलते 36 गुण मिलाएगा कि पहले उसकी मेकअप को देखे। वही बात है कि पहले मेकअप जरूरी है, देखा गुण तो बाद में मिलाया जाएगा, कि 36 में 32 में 36 मिल रहे हैं या 38 मिल रहे हैं तुम्हारे, उसी तरह से तुम्हारे आंकड़े सही है या गलत है वो तो बाद की चीज है, पहले जो एग्जामिनर है वो देखेगा कि ये चीज मुझे देखने लायक है या नहीं है, उसकी आंखों का सामने देखने लायक होगा तो इसके आंकड़े को देखेगा, नहीं तो क्या करेगा वो कट कुट करके आगे बढ़ जाएगा। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है तुम्हारा चीजें देखेगा। तब उस दिन समझ में आया मुझे कि हाँ कि प्रेजेंटेशन भी एक चीज होती है। और मैंने क्या किया कि एक बार एक आंसर मुझे नहीं आता था, एक ये करना था डिफरेंस निकालना था दो के बीच का और वो मुझे नहीं आता था, मैंने बड़ी सुंदर से उसकी टेबल्स बनाई, हेडिंग्स दिए, बुलेट्स दिए, और 20 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे उसका आंसर मिल गया, उसका नंबर मिल गया, मतलब तब मैं बोला कि हाँ प्रेजेंटेशन अच्छी चीज है। इसलिए मैं आपको इतना जोर कर रहा हूँ कि फॉर्मेटिंग आपकी अच्छी रहेगी तो आपकी रिपोर्ट में थोड़ी बहुत एरर भी रहेगा तो इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ पीपीटी लेते हैं लेकिन शायद ही मतलब कि कुछ फोर्स करते हैं तो, क्योंकि पीपीटी थोड़ा आउट ऑफ है ना मेरा सिलेबस से, क्योंकि मैं डायनेमिक रिपोर्ट पे बिलीव करता हूँ, पीपीटी के अंदर में डायनेमिक रिपोर्ट नहीं होता है, समझ ना, डायनेमिक प्रेजेंटेशन हाँ तो होता है क्या है कि उसमें डायनेमिक मतलब है समझे कि हम ऐसा करें कि जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ ऊपर आपको ये इसी रिपोर्ट को देखिए, अगर मैं यहाँ से ईयर चेंज करूंगा या एम्प्लॉय नंबर चेंज करूंगा तो पूरी की पूरी रिपोर्ट बदल जाएगी, बदल गई ना, हर एक चीज बदल गया यहाँ पे। अब ये चीजें पावर बीआई में नहीं हो सकता ना, सॉरी इसमें पावर पॉइंट में, पावर में तो हो सकता है, तो पावर बीआई में एक एक चीज करना पड़ेगा। और सर मैं थोड़ा सा मैनुअल वर्क से इरिटेट होता हूँ, इसलिए मैं पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा देता हूँ, जो कुछ लोग फोर्स करते हैं, देखिए कतराता हूँ, वर्जन नए वर्जन देखिए, नए Office 365 लोड करेंगे तो उसमें आपको अच्छी चीजें दिखेगी। तो देखिए मैम अब समझ में आया ना कैसे बनता है। अब इसके अंदर बाद में फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह लगे हैं, ऐसे फॉर्मूले लगेंगे और डेटा मैनिपुलेट होगा क्या, देखा है ना आपको, अलग अलग टेबल से डेटा आया हुआ है तो डेटा लगेगा और मैनिपुलेट होगा, हाँ इसे आगे आएगा कि ये तो पार्ट 2 है ना, पार्ट 1 तो आपका है कि ये फॉर्मूला सीखने से, मान लो मैं सिखा दिया और उसको आप प्रेजेंट नहीं कर पाए तो क्या फायदा, क्या
वही चीज है। वो समझ गए। तो आप क्या करें कि अभी आप अपने एंड से कुछ बना के दिखाएं, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है, पकड़ लीजिए जो बना सके आप, कोशिश करें, और जो कोशिश कीजिएगा वो सीट भेज दीजिएगा, देखूंगा कहाँ पे गड़बड़ है आपकी, कहाँ गलती कर रहे हैं आप, ठीक है? चलिए। ठीक है।